हेलो फ्रेंड्स, डीआर एक्सपर्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे कैलाड्री लोशन के बारे में। इसका यूज हम किस प्रकार के डिजीज में करते हैं या किस प्रकार से काम करता है और इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कैलाड्री लोशन एक प्रकार का स्किन एलर्जी लोशन है जिसका यूज हम बेसिकली स्किन एलर्जी और इरिटेशन या ईचिंग जैसी बीमारी के लिए करते हैं। इस लोशन को पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन करती है। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें कैलामाइन और डाइफेनहाइड्रामाइन के अलावा भी बहुत से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह लोशन हमारी स्किन पर काम किस प्रकार से करता है। कैलामाइन एलर्जी के दौरान त्वचा में होने वाले पस या मवाद को ख़त्म करके त्वचा में स्मूथनेस लाता है और डाइफेनहाइड्रामाइन जो कि त्वचा पर होने वाली लालिमा और सूजन को कम करता है। यह लोशन आपको नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है। कैलाड्री लोशन को डॉक्टर भी अधिकतर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस लोशन का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले काटन के थ्रू प्रभावित क्षेत्र यानी इरिटेशन या ईचिंग वाली जगह में धीरे से लगाएं और ज़्यादा मालिश ना करें। दूसरा ये कि ध्यान रखें प्रभावित क्षेत्र को कवर करते समय लोशन त्वचा पर सूख जाए। नेक्स्ट, इसे डॉक्टर के द्वारा 2 सप्ताह के लिए दिन में 3 या 4 बार उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जबकि यह सुरक्षित और लंबे समय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस लोशन को खुले घाव पर बिल्कुल भी ना लगाएं और बच्चों की पहुँच से दूर रखें। यदि इस लोशन को लगाने से कोई दुष्प्रभाव होता है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। तो दोस्तों, ये थी कैलाड्री लोशन के बारे में पूरी जानकारी। अगर इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।